Basically, we are going to rescue the fishes and we are on the mid in the road. So, चलिए एक बार में जिनका घर में फिश रेस्क्यू करने जा रहे हैं उनका घर में जाके मिलते हैं, फिर दिखाता हूँ क्या क्या फिशेस हैं। चलिए इस ब्लॉग में मजा आ जाएगा। तो गाइस वीडियो को और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, लाइक के बिना कहीं मत जाना, चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसा और वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देख सकते हो उनका घर पहुंच गया हो, अब चलिए फिश देखते हैं। देखिए अभी जो है फिश आप लोग अच्छे से नहीं देख सकते, पूरा मतलब पानी गंदा हो चुका है, तो बेसिकली पानी निकालूंगा, दिखाऊंगा फिशेस कौन सा है। तो वीडियो थोड़ा सा आज लंबा होगा, थोड़ा नहीं ज्यादा ही होगा, पर एंड तक जरूर देखना गाइस विदाउट एनी स्किप। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली गाइस हियर इज माय पार्टनर, ये भी रेस्क्यू करने आया अभी जो है, ये गमला को धो रहा है बैठे बैठे, क्योंकि अभी उधर देख सकते हो उधर है टैंक, तो अभी मछली उठाना है तो पहले दो गमला धो रहा है। अभी जो है इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में, तो थोड़ा एक्वेरियम रखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए बेसिकली हम लोग आए। सो वीडियो में बने रहिए, आप लोग को एक बहुत अच्छा मछली देखने को मिलेगा, साइज देख के हैरान हो जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। हम लोग बेसिकली जो वाटर है इससे पंप आउट करेंगे, टॉप फिल्टर का पावर हेड है, इसे पाइप से कनेक्ट कर लिया। अभी देखिए जो टैंक साइज है देख सकते हैं, ये है लगभग 4x2.5x2.5, बहुत ही बड़ा है साइज, देख सकते हैं हाइट देख सकते हैं। तो इतना 12mm ग्लास से बनाया हुआ है, इसे उठाना मतलब उठा के अच्छे से धोना होगा, मतलब हम दोनों के बारे में मतलब क्या होगा हालत क्या पता, हाथ ही साइड टूट जाए। एनीवेज पहले तो फिश निकालेंगे, बोल देते इसमें क्या। इधर मेरे को जो दिख रहा है दो सिब्रम है, एक ग्रीन सिब्रम है, दो तो बाला शार्क है, दो एंजल्स है, तीन एंजल है, एक फेदर है बहुत ही बड़ा साइज का, किसिंग गोड़ामी पल गोड़ामी ये सब है, पर बहुत ही बड़ा बड़ा साइज का। सो बेसिकली अभी जो है हम लोग दिखाएंगे कैसे हम लोग क्लीन करते हैं। सो देखिए बोल रहे, सो बेसिकली देख रहे हैं ये जो अभी खोल रहा है ढक्कन को, लाइट निकाल रहा है उधर से। अभी मेरा काम है वीडियो करना, तो आप लोग को बेसिकली एक्वेरियम में कुछ दिखाई नहीं देगा, लाइट ऑफ हो चुका है, पूरा जो वाटर है ब्लर हो चुका है बेसिकली, तो अभी लाइट खोल रहा है। सो इधर टॉप फिल्टर है, फिल्ट्रेशन थोड़ा मतलब लो है क्योंकि इतना दिन से मेंटेन नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन का काम के लिए। सो अभी जो क्लीन करके ये मछली जो हम लोग बेसिकली टेम्पोरारीली इनका घर में रेस्क्यू करके रखेंगे, लेटर ऑन देखा जाएगा फिर से इन्होंने फिर से टैंक बनाने का मतलब प्लान किया है, तब फिर से लाऊंगा फिशेस को। तो अभी जाए पहले उठाना होगा, ये उठाना है सबसे बड़ा बात है, देखिए उठा रहा है गाइस। इधर हीटर भी खत्म हो गया, मतलब बेसिकली टैंक का हालत पूरा एकदम मतलब हो चुका है, देखिए उठा भी नहीं पा रहा है, ऐसा हालत है, ये ढक्कन भी इतना बड़ा है मतलब क्या ही बोलूं। सो अभी खोलने का कोशिश कर रहा है हीटर को, निकालिया ही नहीं जा रहा है। चलो ये अभी मछली चोरी करना शुरू कर दिया, आई मीन इज जस्ट रेस्क्यूइंग। सो अभी उठा के उधर जो टब है उसमें जाके रख रहा है, और पानी का सिस्टम ऐसे ही बंद है तो थोड़ा दिक्कत रहा है, जो सिल्वर शार्क को उठा लिया देख सकते हैं। सो फिर से ले जाएगा, इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बेसिकली जो है वाटर लाइन कट कर दिया है, और थोड़ा मैं इतना पतला सा वाटर गिर रहा है। अभी देखिए फिर से उठा रहा है कुछ, हाथ में क्या आ जाए, देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा टैंक में, आप लोग को जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है हम लोग को भी वैसा, एंजल पकड़ लिया एक, देखिए साइज देखिए एंजल का जंबो साइज, मतलब मस्त मेंटेन किया था बोल सकते था। अभी जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए दिक्कत हो रहा है, इस सिब्रम में मैं क्रश खा गया बेसिकली, मतलब मस्त है सिब्रम। अभी देखता हूँ फिर से क्या हाथ, सबसे बड़ा इधर एक बड़ा सा फेदर है पर दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा टैंक गंदा हो चुका है, जब फिल्टर उठाया फिल्टर उठा के रख दिया। उधर देखिए फिर से एक ब्लू एंजल, आई थिंक सो यस ब्लू, मस्त है मस्त। और एक एंजल है इधर दिखाई दे रहा है, शिवराम कहाँ चला गया बेटे, चलो और एक एंजल उठ गया। साइज मतलब मैक्स साइज, अभी जो ये टैंक उठा के उधर रखना होगा, मतलब हालात खराब हो जाएगा टैंक उठाने में।
अब तो और भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मछली का है शायद, पूरा पानी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा हो गया। लेट देम सेटल। हाँ एक डॉलर है, देखिए देख सकते हैं डॉलर को, शायद ये हाथ में आ जाए, नहीं भी आए नहीं पता। और एक गोड़मी भी जा रहा है इधर से, ये कहाँ निकला है? अच्छा ग्रीन सिब्रम निकला है। अरे भाई ये अटैक है, चलो ग्रीन सिब्रम हाथ लग गया। देखिए साइज देखिए गाइस, चलिए उठा के कलर दिखा दो, शायद दिखा भी नहीं सकता इतना बड़ा साइज हो गया। देखिए इसका लास्ट में उठाएंगे, चलो इसे छोड़ दिया, अभी उठाएंगे तो भाई गिर जाएगा इधर ही। मस्त साइज आ गया इसका गाइस, देख सकते हैं ये जो राइट हैंड में जो जेब एंजल है, इसमें इसका पेड़ में भी अंडा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। सो बेसिकली अभी इस टाइम पे क्या ही करूँ, वाटर चेंज करना होगा, इट्स इमरजेंसी, देख सकते हैं। तो चलिए इसे छोड़ देता, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, पानी भरने देता हूँ, तो उधर जाके फिर से बाकी मछली को उठाता हूँ। गाइस उसमें एक फेदर था बेसिकली, हम लोग समझे उससे उसमें उठ गया है, तो बेसिकली फेदर चला गया, फेदर दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ चला गया फेदर, बट एक बहुत अच्छा साइज का फेदर है जितना सुना। अरे ये इसे मत हटाओ, पूरा गंदगी जा रहा है, नुंगड़ा नुंगड़ा पूरा, ईश पूरा स्पॉन्ज फेटे पड़े आछे, वही कोना तो पूरा स्पॉन्जर ये पूरा देख सकते हैं गाइस, पूरा स्पॉन्ज इधर, मतलब दिखाई भी नहीं दे रहा है आप लोग का, कैमरा में दिखाई नहीं देगा, हम लोग का आई का मेगापिक्सल से भी नहीं दिखाई दे रहा था, कैमरा का क्या दिखाई देगा। इधर एक बाला शार्क फिर से जा रहा है, तो देखता हूँ फिर से क्या उठाता हूँ, गोड़ा में उठा है, देखता हूँ क्या है इसमें, कलर बहुत ही मस्त है। हाँ चलिए इसे छोड़ने का टाइम है, छोड़ के आते हैं उधर, बाला शार्क को लेटर रन उठाऊंगा क्योंकि बहुत ही जंप कर रहा है, और इवन डॉलर को भी, शिवराम को भी, शिवराम ये देखिए फेदर निकला था, अरे शिट घुस गया, फिर यही दिखा जाए फेदर टक, देखो ये अरे साइज देखिए भाई साहब, साइज क्या है इसका, ये है असली मछली, पैरोना जैसा है पूरा, छोड़ के आता हूँ, हाथों शेरा होगा, देखिए गाइस इसे उठाता हूँ, देखिए ऊपर करो गाफा पे, आई थिंक भाई साहब क्या साइज है इसका, देख सकते गाइस कितना मस्त साइज आया, मतलब फेदर बोला ही था बहुत ही बड़ा है, देख सकते घूम रहा है इधर। चलिए बाकी मछली को भी पकड़ लेता हूँ, शिवराम एक काज करे लास्ट टप दिए उठी दियो लास्ट, देख सकते गाइस साइज इससे नहीं उठेगा, नेट से नेट ही फाड़ देगा, डॉलर डॉलर हो ना जा साइज इसे। चलो एक गोड़ा में चला गया, सबसे मस्त भाई फेदर लगा, क्या मस्त साइज का था, पूरा टैंक क्लाउडी हो गया, अब फिर दिखाई नहीं दे रहे, खत्म पूरा, अब क्या मछली है वो भी नहीं पता है। एक काम करो मॉस्किटो नेट लाओ, फेंको जो मछली उठा रख दो जाके, बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी, पूरा ब्लर ब्लर तो नहीं, पूरा डार्किश हो गया। इधर एक बाला शार्क दिखाई दे रहा है, पर उठा के काम नहीं है, तब से जो है जंप आउट कर रहा है बार बार, ऊपर से वाटर कंडीशन देख सकते, पूरा लगता है ड्रेनेज का पानी है, ड्रेन का पानी जा रहा है, कितना मछली अभी कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या हालत है, देखिए ऊपर से भी निकल नहीं पा रहा हूँ मछली, दिखाई नहीं दे रहा, अभी जो है लास्ट उपाय, अभी जो है वाटर को वॉश आउट करना होगा, नहीं तो अभी कुछ मछली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब एक सिब्रम दिखाई दे रहा है, पर अभी उठा के कोई दरकार नहीं है, क्योंकि अगर उठा दूंगा तो टब से जो है कूद जाएगा, सो गाइस इसलिए अभी जो है वाटर को वॉश आउट करना होगा, उसके बाद बेसिकली बाकी मछली को उठाऊंगा, सो ड्रेनेज का पानी को उठाते हम लोग, इधर ये खड़ा है देख रहे हैं मछली है कि नहीं, इसको बहुत अभी चोरी का मतलब ही आ गया है, एडल्ट साइज है शिवड़ा इसको ले रहा है, और इवन एंजल का पेट में भी अंडा है बेसिकली, मतलब बहुत ही मस्त था सब कोई, मतलब मछली इतना अच्छा था, बट बेसिकली मेंटेनेंस उधर है पाल गोड़ा में। इतना अच्छा मतलब मछली का सेटअप था, बट बेसिकली ड्यू टू मेंटेनेंस
सब मतलब खराब हो गया बेसिकली, इसलिए क्या हालत है देख सकते हैं। मतलब हम लोग तो अभी इसे अरे गोड़मी 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 जल्दी जल्दी जल्दी, अरे देखो छोटा एक बच्चा से किसिंग आछे एक किसिंग, अरे किसिंग किसिंग आछे एक बच्चा आछे एकदम। चलो एक उठ गया, इसे रख के आता हूँ जल्दी जल्दी। अरे हाथ में भी नहीं आया, ये ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, जब आ रहा है तो भाई हाथ में नहीं आ रहा है, ऐसा हालत है। इधर एडी का एक घोड़ा में आछे, और एक आरो दूगना घोड़ा में आछे। सो फिर से मछली ढूंढना शुरू कर दिए। इधर ये ग्रीन शिपड़ा में, बट हाँ चलो डांडी भैया जो नेट टूट गया, इतना खराब हालत है। तो बेसिकली टब लाने का अभी तो और कोई उपाय नहीं मिल रहा है बाकी मछली को उठाने का। सो और भी दिखाई भी दे नहीं दे रहा है, अगर पल घोड़ा में ऊपर आएगा तो हम लोग उठा भी सकते हैं। ड्रेनेज का पानी है, देख के कोई दरकार नहीं है, तो जब मछली आएगा फिर से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। इधर जो है मछली का टब लेके आ गया हूँ, क्योंकि अभी सिपड़ा उठाना है, नहीं तो जंप आउट कर जाएगा, तो अभी इधर ला के उठाना होगा। तो चलिए दो टब आ गया है, जो वर्कमैन है काम कर रहा है बैठे बैठे, अभी इसको चोरी का धंधा है इसलिए काम तो भाई करना ही होगा। चलिए गुस्सा हो रहा है, अभी मछली उठाना होगा सिपड़ा जो है। चलिए फेदर के ऊपर तो भाई मेरा हो गया, सीधा हो गया हूँ मैं, फेदर देख के देखिए अभी उठा रहा है। तो देखिए सब बैठे बैठे फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, फ्लैश फ्लैश इधर फ्लैश, चलिए फ्लैश ऑन। अभी देखिए फेदर, ओह माय गॉड क्या है ये, चलिए थंबनेल में तो लगाना बनता है बॉस, ये मस्त साइज देखिए, अभी उसमें अच्छा से दिखाई देगा भाई क्या साइज है, कितना दिन से पाला होगा। आई थिंक सिंकिंग पैलेट देता होगा उसे फीडिंग में। अभी जो है सिपड़ा दोनों देख रहे थे, फ्लैश में डर वाटर टाड़ो ब्लर लगे, देखिए साइज देखिए सबसे बड़ा ये फेदर है। एनीवेज अभी जो है मेन मछली को उठाना है जो कि सिपड़ा, तो वीडियो का फ्लैश ऑफ करता हूँ, नहीं तो दिखाई कुछ भी नहीं देगा। चलिए इधर ग्रीन सिपड़ा में, आस्ते 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 आहिस्ता आहिस्ता बेटे आहिस्ता, देखिए साइज। चलो इधर भी फ्लैश ऑन करना होगा, दिखाई नहीं देगा, देख सकते साइज, धरो 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 हाथ धरो। चलिए 16 साइज का सबसे छोटा गाइस, और भी है बाला शार्क है। चलिए एक डॉलर भी, अच्छा डॉलर का बात, अरे दुटो के उठियो ना एक साथ पूरा है दे, हां चलो बेटा उठा, देखिए ये सिपड़ा का साइज देखना गाइस, इतना धोते वाला है वाला ये धरा, देखिए 7 इंच साइज का, 8 इंच साइज का है, देख सकते हैं गाइस। चलो मतलब मस्त हुआ है, इतना अच्छा सेटअप, तो क्या हालत हो गया, एक दुखाना घोड़ा में आ जाए, एक छोटा के खुजे का बिना मस्त। चलिए एक डॉलर आ गया है, अभी पत्थर भी आ गया उसके साथ, देखिए क्या कर रहा है डॉलर। चलिए इसे भी अब डालना होगा, ये भी 7 इंच का ही है। चलिए मस्त है, गोड़ामी के सामने सिर्फ किसिंग, एक किसिंग गोड़ामी है आई थिंक छोटा वाला, इधर इखने छोटा आछे हाँ बाला सर। और चलो ग्रीन शिपराम और एक आई थिंक ये छोटा है सबसे साइज में, सेम साइज है लेकिन ये वाला मेल है। यस ये सबसे बेस्ट है, ये और ये शिपराम, इसके ऊपर क्रश खा गया, ये भी क्रश खा चुका है, इसका गीएफ को बोलना होगा जाके। चलिए और एक आ गया, डन। और भी मछली अभी मेन तो चलिए उठ गया, अभी बाला शार्क बाकी है, उसके बाद ये तो एक घोड़ा में है, इसका ही बात कर रहा था तब से ये उठ ही नहीं रहा था, कहाँ चला जाता है क्या पता, भगवान जाने। चलो उसमें चलो, बाहर काम चल रहा है तो थोड़ा नॉइस आ सकते हैं, इसलिए माफ करना। देख सकते पूरा स्पॉन्ज जो है मतलब इधर गिरा हुआ है, मतलब फार फार के हालात खराब है टैंक का। चलिए बाला शार्क को देखिए, बाला शार्क उठा लिया, बाला शार्क का भी अच्छा ही साइज है, अच्छा खासा ही साइज है, अभी पिछले जंप कर लेके, हाँ यही बात है सबसे जंप करता है ये।
अभी हम लोग जो पैकेट भी लाए बराबर ऐसे ले जाने के लिए स्पेशल एक पैकेट। ये और एक दो, अरे शिट चला गया डॉलर, ये फिर से आ गया डॉलर, ये डॉलर भी अच्छा खासा साइज का है। डांटी भेंगे पड़े गल नेटे देखिए, और एक बाला शक जा रहा है इधर, बाला या फिर सिल्वर जो भी बोले। এবার ওয়াটারটা ওয়াশ আউট করে নাও, আর দেখতে পাবে না, একটা গোড়ামি আছে ফর শিওর একদম। चलिए ये सब चला गया, अभी तो घोड़ा में या बच्चा बच्चा छोटा छोटा है, पर अभी वाटर वॉश आउट करना होगा, दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे छुआ, अगर नीचे भी बैठा हुआ होगा दिखाई नहीं देगा। तो पहले जो वाटर को हम लोग टॉप फिल्टर का पावर हेड से वॉश आउट करेंगे, उसके बाद फिर से देखेंगे क्या मछली है, तो देखते रहिए वीडियो को। गाइस अभी जो है हम लोग क्या हो गया, कौन था हाँ खराब पता है तो इधर, चलिए इधर कनेक्टेड है, इधर ही अटक गया एक खुले प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इसी घड़ी अभी जो है टॉप फिल्टर का पावर हेड लगा रहे हैं, वॉश आउट करने, देखिए पाइप से कनेक्टेड है, पाइप जाके उधर सीधा गिरेगा, अभी जो है कनेक्ट कर रही है बेटा कब तक, अरे एकदम छिड़े दाओ ना नीचे, अभी कनेक्ट कर रहा है, कप्स लगा रहा है, घोड़ा में अभी भी मेरा आँख में नहीं पड़ा है कहाँ चला गया। तो अभी ये पाइप को भी कनेक्ट करना होगा इसके साथ, फिर जो है फिल्टर ऑन एंड दैट्स इट, अभी मछली लेकर भाग जाऊंगा। चलिए मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लेना। और गाइस और एक चीज, अभी जो है घर में आके मास्क खोला, इसलिए बेसिकली ये कॉम्प्लेन मत करना कि भाई मास्क खोल दिया है, क्योंकि अभी घर में हूँ, रास्ते में पूरा मास्क पहना हुआ था, अभी मैं भी अभी तक मास्क पहना हुआ, ये ज़्यादा काम कर रहा था, बेसिकली खोल दिया, अभी मास्क पहन के नहीं हो सकता है, तो अभी जो है पाइप लेके जाता हूँ, नहीं तो घर में ही पानी गिर जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम में एकदम लेके घुसा देता, चलिए इधर आ गए। देखिए नल से जो है पानी नहीं गिर रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, जो बोला फिल्टर है, तो अभी जो है इसे ऑन करता है, ऑन हो गया, देखिए जा रहा है, तो इधर जाके एक बार मिट करता हूँ। अभी जो है पानी को थोड़ा मतलब स्टर कर रहा है, देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है, देख सकते गाइस हालत, देखिए पानी का मतलब बहुत ही खराब हालात है, देखिए पानी आ रहा है, अभी जो है और भी गंदगी भजा हुआ है वो तो आप लोग देखेंगे, अभी जो है थोड़ा ऊपर से पानी आ रहा है इसलिए लग रहा है भाई बहुत क्लीन है, पर बहुत क्लीन नहीं है, नीचे नीचे बहुत ही गंदगी है। तो चलिए और गाइस पूरा पानी निकाल के एटलास्ट दो मछली और मिला, मतलब पानी निकालना हम लोग का इंटेंशन ही नहीं था, तो पर फिर भी मतलब मछली में नहीं मिल रहा था, हम लोग श्योर भी नहीं थे और मछली है कि नहीं, इसलिए पानी पूरा निकाल ना पा रहा। और गाइस ये पूरा काम मतलब ख़त्म करने में लगभग हम लोग गए थे 10:30 बजे और ख़त्म हुआ 3 बजे, मतलब सोच सकते हैं एक्वेरियम का पानी मेन पार्ट था, उसके बाद एक्वेरियम को थोड़ा हम लोग शिफ्ट कर दिए ऊपर, क्योंकि अभी जो है मतलब कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है, तो बेसिकली हम लोग को बोले कि ऊपर शिफ्ट कर देना, तो थोड़ा उन लोग का भी सुविधा होगा, तो कर दिए बेसिकली, मतलब इतना ही वेट था हम लोग, मतलब घर में कोई नहीं था तो हम लोग दोनों मिलके मतलब बहुत ही वेट था, हालत ख़राब हो गया, तो मतलब सीढ़ी से उठने में, तो बेसिकली इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग गया। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो मछली हम लोग पैक कर रहे हैं, मतलब पैकेट में हम लोग लेके गए बड़ा बड़ा पैकेट, इसमें पैकिंग चल रहा है, इसके बाद हम लोग घर लेके जाएंगे। आई डोंट नो कि मतलब कौन कौन बचेगा, क्योंकि हालत ख़राब हो गया, स्पेशली फेदर्स का और डॉलर्स का, ये दो छोड़ बाकी सब बच जाएगा, वैसे गोड़ामी को दिक्कत नहीं होगा, एंजल्स को नहीं होगा, शिवड़म को देखिए क्या होता है, ये लोग पैकेट मतलब फाड़ देता है, आप लोग जो ऑरेंज पैकेट देख रहे हैं उसमें करके ले जाना होगा, क्योंकि ये पैकेट जो आराम से फाड़ दे रहा है उसका काटा से बेसिकली, इसलिए ऑरेंज पैकेट में कैसे भी हो जाए हम लोग ले जाएंगे। तो गाइस हम लोग जो है मतलब जहाँ पे जिस टैंक पे छोड़ेंगे उसमें जाके भी ब्लॉग बनाएंगे, तो उसके लिए अभी तक वीडियो में बने रहिए, अगर अभी तक आप लोग वीडियो में है तो भाई थैंक्स फॉर इट, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है बट मज़ा आज का जो ब्लॉग बनाने में बहुत ही मज़ा है मेरे को, बिलीव मी आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं बनाया आप लोग के लिए शिव। सो गाइस
अगर आप लोग को आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अभी तक भी अच्छा लगा है तो भाई से वीडियो को एक लाइक करना, लाइक के बिना कहीं मत जाना। और ऐसा और ब्लॉग इन फ्यूचर अगर रेगुलरली देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो अभी तक ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है तो देखते रहिए। পরে ভয়েস ওভার করব, এদের সামনে ভিডিও করা যাবে না। তোমার এই गाइस अभी जो है सबसे बड़ा मछली का उठाना का बारी है, जो कि फेदर, जिसका हालत पूरा खराब हो गया था। स्टिल नाउ हेयर साला आई डोंट नो क्या होगा रास्ता पे, क्योंकि भाई बहुत दूर जाना होगा। अभी इधर से लगभग आधा घंटा लगेगा घर जाने में। सो चलिए अभी ये उठा रहा है, इसका माइंड कहीं और ही है, इसको भी कुछ और लेना है, दैट्स व्हाई। तो चलिए उठ रहा है, उठ गया। चलिए फेदर चला गया अंदर, अब जो है इसे पैक करना होगा। सो गाइस हमने जो है रास्ते पर और वीडियो ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो बेसिकली अभी जो है फिश को रिलीज कर दूंगा, डॉलर ऑलरेडी रिलीज है, बाला शार्क रिलीज हो गया, अब जो फेदर को कर दूंगा और वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि जो फिश है एकदम स्ट्रेस में है, मतलब रास्ता में आने से सिब्रम जो पैकेट होल्ड कर दिया था, बेसिकली बहुत दिक्कत हुआ था, एंड दैट्स वाई वी डोंट वॉन्ट टू मेस विद देम एनी मोर। सो इसे डायरेक्टली रिलीज कर दूंगा। सो गाइस ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब भी कर देना ऐसा और वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।